तमाम रिकॉर्ड्स बीट किए गए और उसके बावजूद हम यहाँ के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद आए और पीडीपी के हक में अपना वोट डाला, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, वी आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी लोग इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए थे कि दे हैव सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2002 के बाद मुझे लगता है कि फिर एक बहुत अच्छी रिवायत यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से कायम हुई। मुझे लगता है कि फिर एक बार जो इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक क्रेडिबिलिटी मिली, जहाँ जो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन थे, परसेप्शन था अनफॉर्चुनेटली, जिसका पुराना बेसिस रहा है कि भाई यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बड़ा स्टॉलवार्ट हो किसी रूलिंग पार्टी का, वो हार सकता है। पर इसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फॉर दैट वी कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो हमें ओवरवेलमिंग मैंडेट दैट पीडीपी हैज गॉट, इट इज वेरी मच हमारे लिए ये बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि जब हमने 2002 हमने एक मैनिफेस्टो दिया था और उसके ऊपर वी वर एबल टू परफॉर्म ऑन दैट मैनिफेस्टो, जिसकी वजह से हमारी एक क्रेडिबिलिटी बन गई थी। आज मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में पीडीपी इज द ओनली रीजनल पार्टी जिन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया कि जितने भी हमारे लोग यहां से इलेक्ट होके जाएंगे, वी वुड लाइक टू डिबेट द इश्यू एंड इश्यूज ऑफ कश्मीर विद इन द पार्लियामेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट, एक माइंडसेट चेंज करेंगे। वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम दिल्ली कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई अलायंसेस के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जो जम्मू कश्मीर के जो सिचुएशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए, जो फॉर्चुनेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरू किया था, उसके बाद यूपीए ने भी किसी हद तक उसको आगे चलाया था, पर बदकिस्मती से दैट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, बी इट ओपनिंग ऑफ द मुजफ्फराबाद रोड या रावला। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।